सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अपडेट है जेईई मेन 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। ओके, सो अभी आधे घंटे पहले ही एक न्यूज़ पोर्टल जी न्यूज़ की तरफ से अपडेट आया, आप देख सकते हो यहाँ पर, आप जाकर गूगल भी कर सकते हो। ओके, सो लाइक यह अपडेट ये है कि आपका जो जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म है ना, लाइक कब आपका एग्ज़ाम होगा, डेट क्या होगा, ओके, सारा कुछ जो अपडेट है वो कल रिलीज़ हो सकता है। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा गया, एनटीए जेईई मेन रजिस्ट्रेशन एग्जाम डेट टू बी रिलीज़ टुमारो नवंबर 20, मतलब ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और चांसेस भी है कि आपके कल रिलीज़ हो सकते हैं। आपके एग्ज़ाम कब होंगे, या तो जनवरी में होंगे या अप्रैल में होंगे। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में होना चाहिए, जनवरी में ना हो तो ज़्यादा बेटर है। ओके, आप कमेंट जरूर करना कि एग्ज़ाम कब हो सकते हैं। ऑलराइट, और जो भी अपडेट होगा लाइक आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी होता है या जो भी डेट्स आते हैं उसके ऊपर सारा कुछ वीडियो आपको कल मिल जाएगा या जब भी आता है। लेकिन अगर कल नहीं भी आता है, कल आएगा तो पता चल जाए आपके जेईई मेन का ऑफिशियल वेबसाइट पर वो अपडेट होने लगेगा। ओके, और अगर नहीं आता है, जब भी आता है तो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। ओके, कि आपका कब रजिस्ट्रेशन डेट है, कब स्टार्ट हो सकता है आपका एग्ज़ाम। ओके, और जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उस पर सारे वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे। तो सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। ओके, क्योंकि जो कोई भी अपडेट आएगा ना जेईई मेंस रिलेटेड 2023 के एग्जाम से, सारा कुछ आपको इस वीडियो, इस चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, तो अभी तक के लिए, तो अभी तक लेटेस्ट अपडेट यही है कि जी न्यूज़ की तरफ से ही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि पहले भी ये चीज़ें आपको एक्सपेक्टेड करी जा रही थी कि आपके जो एग्ज़ाम डेट हैं लाइक कब रिलीज़ किए जाएंगे या कब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, सारा कुछ नवंबर एंड के आसपास आपको आ सकता है। लाइक कल संडे है तो मे बी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद रिलीज़ कर दिया जाए। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिएगा, आपको सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ओके,